हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लौकी एक ऐसी सब्जी है जो कि हर किसी को पसंद नहीं आती क्योंकि ना अंदर से फीकी होती है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लौकी कोफ्ता करी बताऊंगी जिसमें रहेगा भरपूर जायका। तो अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे ना तो आपको क्या आपके बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मज़ेदार लौकी कोफ्ता करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ की लौकी ली है जिसको मैंने छील लिया है, अच्छे से धो के इसको दो टुकड़ों में ऐसे काट लिए ताकि इसको फिर ग्रेट करने में आसानी हो। तो इसको मैं ऐसे ग्रेट कर रही हूँ। ये देखिए, आप पतले मोटे साइड से किसी साइड से भी ग्रेट कर सकते हैं, कोशिश करके मीडियम रखिएगा ताकि उसको बाइंडिंग में आसानी हो। तो ये देखिए, पहले पूरा मैंने ग्रेट कर लिया है और ये देखिए इसमें ना काफ़ी सारा पानी है। अगर ऐसे अगर आप कोफ्ता बनाएंगे ना तो आपके कोफ्ता अच्छे से राउंड नहीं बनेंगे, बहुत सारा बेसन लगेगा और बहुत सारा तेल पी लेंगे। तो इसका हमें पूरा एक्स्ट्रा पानी निकालना है। तो जिसके लिए मैं क्या कर रही हूँ ना, एक छन्नी के ऊपर ऐसे कपड़ा रख रही हूँ या फिर रुमाल, आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम प्लेस कर देंगे पूरी ग्रेट की हुई लौकी और देखिए इसका ऐसे नॉट बना लेंगे और इसको ऐसे अच्छे से स्क्वीज़ कर लेंगे अपने हाथों से। पूरा ऐसे ताकत लगा के अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिए। देखिए पूरा पानी एक झटके में निकल गया ना, वरना क्या होता ना, अगर आप हाथ से थोड़ा थोड़ा उठा के स्क्वीज़ करते जाएंगे ना तो पूरा पानी निकलता भी नहीं है और उसको बहुत समय भी लग जाता है। तो ये देखिए पूरा पानी निकल गया, ये पानी आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी में। तब मैं आपको ये पोटली खोल के भी दिखाती हूँ। देखिए हमारी लौकी एकदम अच्छे से सूख गई है, बिल्कुल ऐसी ही लौकी हमें चाहिए। तो इस वक्त अगर आपको चाहिए तो आप इसमें एक बॉयल पोटैटो मतलब एक बॉयल किया हुआ आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं बाइंडिंग और टेस्ट के लिए, लेकिन मैं आज नहीं डाल रही हूँ। तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा प्याज बारीक कटा हुआ, एक से दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, इसी से बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है, थोड़ी सी फ्रेश कटी हुई धनिया, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर या फिर तीखा वाला जो भी आपको पसंद है, एक चम्मच में डाल रही हूँ धनिया पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो सिर्फ अदरक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखिए मैं डाल रही हूँ अजवाइन जिसको मैं ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ, उससे थोड़ा सा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून भर के बेसन। तो फ्रेंड्स इस वक्त मैं 2 से 3 टेबलस्पून डाल रही हूँ, इसको मैं बाइंड कर लूँगी और फिर बाद में देख लूँगी कि ज़रूरत अनुसार जितना हमको और बेसन लगेगा हम इसमें और डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसन भी इसमें हमें नहीं डालना है। और इसमें मॉइस्चर के लिए और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1 टीस्पून तेल। आप चाहें तो यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते जाएंगे अपने हाथों से। तो एक चीज़ आपने नोट की होगी फ्रेंड्स, इस वक्त मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। नमक हम क्या करेंगे ना, लास्ट में डालेंगे, जब हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे ना तभी हम साइड में इसमें नमक भी डाल देंगे और फिर से मिक्स करके इसके गोले बना लेंगे। वैसा करने से क्या होगा ना, ये बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा, वरना अगर आप पहले से ही नमक डाल देंगे ना लौकी में तो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देती है। तो ये देखिए मिक्सचर बाइंड होने लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लौकी ज़्यादा है और बेसन कम है, तो थोड़ा सा बेसन मैं और डाल रही हूँ करीबन 2 टेबल स्पून और इसे फिर से ऐसे मिक्स करके इसको बाइंड करते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल आटे जैसी कंसिस्टेंसी ना आ जाए या फिर आप उसके कोफ्ते बना ना सकें। ये देखिए पूरा मिक्सचर एकदम अच्छे से मिक्स हो गया अपने हाथों से। जब मैं बना रही हूँ तो ऐसा लड्डू फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छी सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है। और अगर आपको नहीं लगे तो आप थोड़ा सा और बेसन डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसन भी मत डालिएगा फ्रेंड्स, नहीं तो ऐसा लगेगा पकौड़े खा रहे हैं, कोफ्ते का टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया गर्म करने के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर और अब इस मिक्सचर में मैं डाल दूंगी आधा टीस्पून नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब अपने हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे ऐसे राउंडल्स बनाते जाएंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, क्योंकि ये ना ग्रेवी में जाने के बाद थोड़े से फूल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इतने मीडियम साइज़ के बॉल्स बना रही हूँ, मतलब कोफ्ते बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। और हाथों में थोड़ा सा तेल ज़रूर लगा लीजिएगा क्योंकि मिक्सचर ना थोड़ा सा चिपचिपा है, लेकिन घबराइएगा नहीं, तेल में जाने के बाद ये कोफ्ते एकदम अच्छे से सेट हो जाते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे डायरेक्टली कोफ्ता हाथ में बना बना के डायरेक्टली तेल पर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए पूरा बैच रेडी हो गया है, तेल भी मेरा गरम हो गया है। तो अपने हाथों में फिर से मैं इसको ले लूँगी और थोड़ा सा फिर से शेप दे दूँगी, क्योंकि प्लेट पे मैंने रखा था ना तो थोड़े से फ्लैट हो गए हैं। और इसको डाल के सारे कोफ्ता को इसको फ्राई करेंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अंदर से अच्छे से पक ना जाए।
फिर निकाल देंगे। मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं लौकी के कोफ्ते, ऐसे लग रहा है कि लौकी के वड़े ही हैं। इसको एज इट इज़ वड़े या फिर पकोड़े जैसे हम चटनी के साथ ही इंजॉय कर सकते हैं। तो इसी तरह से सारे कोफ्ता तैयार कर लीजिए और इसको निकाल देंगे इस प्लेट के ऊपर। तो अब मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट है, काफ़ी मॉइस्चर है अंदर, परफेक्टली लौकी पकी भी हुई है ये देखिए। और ये जब एक ग्रेवी को चूस लेगा ना तो और भी फ्लेवरफुल बन जाएगा। तो चलिए ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने बोल में लिया है करीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी। इसमें मैं डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और मैं इसमें डाल रही हूँ बस 1/2 टीस्पून ही बेसन, ताकि अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी इसमें और ग्रेवी ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी इससे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये प्रोसीजर करने से क्या होता है ना, तेल में मसाले जलते नहीं है और ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है। तो इसे मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा मिक्सचर मसाले का रेडी हो गया है। नेक्स्ट एक पैन या फिर कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेंगे 2 टेबलस्पून। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून ज़ीरा, बिल्कुल थोड़ी सी हींग और 1 से 2 टुकड़े दालचीनी के। आप चाहें तो इसमें और भी गरम मसाले डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूंगी 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ और इसे मिक्स करके पकाएंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं, चलिए टमाटर पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 2 से 3 बड़े टमाटर। इसमें मैंने डाल दिए 1 टुकड़ा अदरक का, थोड़ी सी लहसुन और हरी मिर्चें। वैसे आप चाहें तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं प्याज में, लेकिन मेरे पास रेडी नहीं था तो समय बचाने के लिए मैंने सारी चीज़ें टमाटर के साथ ही पीस रही हूँ। ये देखिए टमाटो का प्यूरे भी रेडी हो गया है। इससे क्या होगा ना, हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छी और स्मूथ बनेगी। तो प्याज को थोड़ा सा और भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मसाला जो हमने पानी के साथ बनाया था, और इसे भी भूनेंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर जब तक सारे मसाले अच्छे से भून ना जाएं, तेल में उनका कच्चापन निकल ना जाए और बेसन भी ना अच्छे से भून जाना चाहिए और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी। तो ये देखिए मैंने मसाले को पकाया था प्याज के साथ, अच्छे से भून गया है, ऊपर से तेल भी आ गया है। तो ये प्रोसीजर करने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, मसाले भी अच्छे से पक जाते हैं और जलते भी नहीं हैं। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे टोमेटो का प्यूरे और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 1 से 2 और मिनट के लिए। और फिर मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 1-2 और मिनट के लिए। और अब इसको ढक के हम छोड़ देंगे लो मीडियम फ्लेम पर करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या फिर टमाटर जब तक अच्छे से पक ना जाए, उनका पूरा कच्चापन निकल ना जाए और ऊपर तेल पे ना आ जाए। तो लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए हम ग्रेवी अच्छे से तेल पे आ गई, लेकिन इस वक्त फ्रेंड्स ग्रेवी ना काफ़ी गाढ़ी है। इस वक्त हम इसमें लौकी के कोफ्ते नहीं डाल पाएंगे क्योंकि काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी सब्जी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी, तो लौकी का जो पानी छूटा था वो मैं डाल रही हूँ, और मैं इसमें डाल रही हूँ मिक्सी में थोड़ा सा पानी घुमा के, मिक्सी का पानी में मैं डाल रही हूँ। मिक्स कर लेंगे और इसे भी ढककर पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जैसे पानी का कच्चापन निकल जाए। तो 4-5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए लिड हटाकर चेक करते हैं, ग्रेवी कितनी बढ़िया बन गई। बिल्कुल ऐसे ही हमें पतली ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल तेल पे भी आ गई है, भुनी भी हुई है, क्योंकि कोफ्ता जब ग्रेवी में जाते हैं ना तो काफ़ी सारा ग्रेवी सोख लेते हैं, तो इसकी वजह से पहले हमको ग्रेवी इतनी ही रखनी है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे सारे कोफ्ते। और इसे भी मिक्स करेंगे जैसे सारे कोफ्ते अच्छे से कोट हो जाए ग्रेवी के साथ, और फिर से इसे ढक के पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो चलिए लेट हटाकर चेक करते हैं। वाओ, ये देखिए ग्रेवी कितनी अच्छे से पक गई है, भुन गई है, ऊपर से तेल आ गया है, और ग्रेवी ना थोड़ी सी कम भी हो गई क्योंकि कोफ्ता ने उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया है, और कोफ्ता थोड़े से फूल कर सॉफ्ट भी हो गए। बिल्कुल ऐसे ही लौकी कोफ्ता करी हमें चाहिए। तो बस ये तैयारी हो गई है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा इसे और पकाना है, कोफ्ता थोड़े से सॉफ्ट नहीं हुए, तो फिर आप इसको खुले में 1 से 2 और मिनट के लिए पका सकते हैं। तो बस ये हमारी बढ़िया मसालेदार एकदम भुनी हुई लौकी कोफ्ता करी तैयार है परोसने के लिए। इसे गर्मा गर्म परोसेंगे। लग रही है ना बिल्कुल मज़े की फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की रेसिपी रियली अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स ज़रूर दीजिएगा।
बहुत ही अच्छा कलर आया है और ऊपर से मस्त तेल छूट गया है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं रोटी के साथ, फुलके के साथ, या फिर सिंपली चावल के साथ भी आप खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए मैं आपको एक कोफ्ता निकाल के दिखाती हूँ और ऊपर से डाल के दिखाती हूँ ग्रेवी। देखिए कितनी सुपर बनी हमारी ग्रेवी। अब मैं आपको एक कोफ्ता तोड़ के भी दिखाती हूँ, सुपर फ्लेवरफुल एकदम मॉइस्चर के साथ। तो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया। मैं आपसे मिलती हूँ एक और बढ़िया से रेसिपी के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।